वेलकम टू क्लास ट्वेल्थ बाय एन एकेडमी, आई एम शिवानी शर्मा योर मैथ्स एजुकेटर सो बच्चे आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं फ्रॉम चैप्टर नंबर वन रिलेशंस एंड फंक्शंस। टॉपिक है आज के क्वेश्चन का फंक्शन देखो जरा यार कौन सा क्वेश्चन है हाईली इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर में पूछा गया है आपके पास एक फंक्शन एफ है जिसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल जीरो से पाव बाई टू एंड को डोमेन है आर डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ठीक है एक फंक्शन जी है आपके पास जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई बाई टू और को डोमेन क्या है आर डोमेन इज दिस एंड को डोमेन इज दिस डेफिनेशन क्या है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स आपको शो करना है कि एफ एंड जी आपके वन वन है लेकिन एफ प्लस जी आपका वन वन नहीं है इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन येट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ठीक है कैसे शो करोगे देखो हम सब जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है हम सब जानते हैं हमने आपको इसके दो डेफिनेशन याद कराई है ठीक है सबसे पहले अगर आपके एलिमेंट्स बच्चा डिफरेंट है ठीक है तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट आनी चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज फंक्शन इज वन डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज फंक्शन दूसरी डेफिनेशन हमने ये भी सीखी थी इसकी कि इफ इन केस आप दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेके चल रहे हो तो कुछ नहीं वो एलिमेंट्स भी सेम आ जाने चाहिए तो आपका फंक्शन वन वन होता है ये डेफिनेशन हमने याद करी है राइट चलो अब लगाते हैं इस क्वेश्चन में डेफिनेशन और देखते हैं यार कैसे मैं इसको वन वन शो कर सकती हूं ठीक है सबसे पहले बेटा एफ फंक्शन कहाँ से कहां जा रहा है आपके एफ फंक्शन की डोमेन है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई बाई टू और आप जा रहे हो आर तक इसकी डेफिनेशन क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आपको शो करना है कि ये वन वन है तो वन वन शो करने के लिए मैं डोमेन में से दो आर्बिटरी दो डिस्टेंट आर्बिटरी एलिमेंट्स को उठाती हूं ठीक है तो मैं कह देती हूं यहां पे कि लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू माई डोमेन ठीक है बी टू बी टू आर्बिटरी है ना बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स ठीक है ये दोनों मेरे आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं जिसको मैंने डोमेन से उठाया है मतलब भाई मेरा एक्स वन जो है ना एक्स टू के बराबर नहीं है दो डिफरेंट बात सुनो अगर मैंने यहां पे F of x1 निकाला तो साइन वन मिलेगा अगर मैं यहाँ पे एक्स टू डालती हूं तो एफ ऑफ एक्स टू क्या मिलेगा साइन एक्स टू एंड हंड्रेड परसेंट जो मेरे x1 x2 यहां से मैंने लिए हैं अगर इनके लिए मुझे ठीक है तो मैं यहां पे लिखूंगी कि 100% परसेंट क्लियरली मेरा जो साइन एक्स वन होगा ना दैट इज नॉट गोइंग टू बी मतलब जो होगा हो अच्छा। और साइन एक्स वन क्या है बेटा एफ ऑफ एक्स वन है मतलब एफ ऑफ एक्स वन मेरा एफ ऑफ एक्स टू के बराबर नहीं है, है ना दैट मीन्स वॉट डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज तो क्या हो गया एफ आपका वन वन हो गया एफ इज वन एफ कैसा फंक्शन हो गया आपका वन वन हो गया आपने डिस्टेंट एलिमेंट लिया ठीक है आपने कहा यार यहाँ पे अगर मैं X1, X2, दो डिफरेंट एलिमेंट्स अपने डोमेन में से उठा रही हूं इस पर्टिकुलर डोमेन में से तो हंड्रेड परसेंट यहां पर मेरा साइन एक्स वन साइन एक्स टू के बराबर नहीं आएगा मतलब एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर नहीं आ रहा है दैट मीन्स डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज फंक्शन इज वन वन क्लियर है सबको सेम यही लॉजिक लगेगा जब आप बेटा जी फंक्शन के बारे में चर्चा करोगे सो so, जी फंक्शन में आपकी डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल जीरो से फाइव बाई टू से लेके आर तक आप जा रहे हो ठीक है एंड ऑफ एक्स क्या है बच्चा है सेम अगेन अगर किसी को कोई भी डाउट है आप ग्राफ बना सकते हो आप देखोगे हर डिफरेंट एक्स के लिए आपको डिफरेंट एफ ओफेक्स हर डिफरेंट एक्स के लिए आपको डिफरेंट ऑफ एक्स मिलेगा डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज फंक्शन इज वन वन सेम लॉजिक आप यहाँ जो लिखा है मैंने as it is आप यहाँ पे लिखोगे कि देखो इस केस में भी लेट x1 x2 बिलोंग्स टू योर डोमेन ठीक है b2 आर्बिटरी एलिमेंट्स b2 डिस्टेंट आर्बिटरी एलिमेंट्स ठीक है मैं कोई डिस्टेंट आर्बिटरी एलिमेंट्स इस डोमेन में से उठा रही हूँ ठीक है क्लियर है सबको राइट right, मेरा x1 x2 के बराबर नहीं है एंड 100% 100% अगर इस x1 को मैं यहाँ डालती हूँ तो मुझे मुझे cos x1 मिलेगा ना वो भी बराबर नहीं होगा मेरे cos x2 से ठीक है मतलब मेरा जो जी ऑफ एक्स वन है नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू राइट दैट मीन्स वॉट दैट मीन्स आपका जो जी फंक्शन है दैट इज वन वन जी फंक्शन कैसा है बच्चा वन वन है डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज फंक्शन इज वन वन तो ये भी आपका वन वन हो गया ऑल गुड सब क्लियर है ठीक है ये भी वन वन हो गया ये भी वन वन हो गया डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज अब आपको शो करना है कि ये सब तो वन वन हो गए ये सब तो वन वन हो गए लेकिन जो एफ प्लस जी है दैट इज नॉट वन वन तो बेटा नॉट वन वन शो करने के लिए हम बस एक एग्जाम्पल दे देंगे ठीक है ओके तो सबसे पहले पे लिख देते हैं कि एफ प्लस जी क्या होगा एफ प्लस डी ऑफ एक्स क्या होगा बच्चा दिस विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स कौन कौन इस बात को मानता है अरे मैम मानना ही पड़ेगा बिल्कुल सही बात है ठीक है तो बेटा एफ प्लस डी ऑफ एक्स क्या होगा f ऑफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स डी ऑफ एक्स क्या है आपका कॉस एक्स ठीक है अब ये आपका वन वन नहीं है राइट वन वन नहीं है किसी चीज को नहीं शो करना है जस्ट गिव एन एग्जाम्पल तो डोमेन में से मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट्स को पकड़ लिया एक मैंने जीरो लिया एक मैंने पाई बाई टू लिया ठीक है तो देखते हैं कि एस प्लस जी ऑफ जीरो क्या मिल रहा है साइन जीरो प्लस कॉस जीरो कितना आएगा बेटा वन आएगा साइन जीरो इज जीरो जीरो इज वन ठीक है अब मैं यहां पे एस प्लस जी ऑफ पाई बाई टू देख रही हूं ठीक है ना तो ये क्या आएगा बेटा ये आएगा, आएगा आपका साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू. पाई बाई टू क्या होता है वन. पाई बाई टू क्या होता है जीरो तो आपको यहां मिल रहा है वन. आपने क्या देखा आपने ये देखा कि एलिमेंट्स तो डिस्टेंट हैं लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है सेम डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज फंक्शन इज नॉट वन वन है ना डिफरेंट एलिमेंट है इमेज सेम जा रही है तो फंक्शन आपका वन वन नहीं है तो बस आप लिखेंगे आ रहा है है? है। ठीक ये आपका one -one नहीं होप सबको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है ठीक है एफ प्लस जी इज नॉट वन वन ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले, ले लेंगे आप सब लोग ओके इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे टिल देन टेक केयर